चलते हुए में ही जीवन सफल है, रुका हुआ जीवन स्वार्थ हो जाता है, खत्म हो जाता है। वापस बच्चे जो आपके सामने खड़े हैं, एशियन प्लेयर, एशियन में दोनों का ही मेडल आ चुका है। एक छोटी सी प्रस्तुति योग आज के चीफ गेस्ट हमारे बल्लभगढ़ के लोकप्रिय विधायक मूलचंद शर्मा जी का मैं अपनी तरफ से, अपनी मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, स्टाफ और अपने स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखो काफी बच्चे ना बात कर रहे हैं और आप बच्चे नहीं रहे, मैंने कल कहा था कि अब आप यंग हो गए हैं और अब बच्चों की तो गलती माफ हो सकती है पर आप लोगों की नहीं, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी मर्यादा में रहें और जो कुछ बच्चे माउंट एवरेस्ट पे बैठे हैं ना वो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि देखो मैं छुट्टी डिक्लेयर नहीं करूंगा कल यदि आपने मेरी बात ढंग से नहीं सुनी। देखो मैं पहले बता दूं बहुत खड़ूस आदमी हूं, मुझे कहीं से भी लगा। देखो मैं आपको ना, आपके जो आज बच्चे को जीत रहे हैं, कुछ पीछे रह गए हैं उनके बारे में बाद में बताऊंगा। मुझे 10-15 दिन से काफी लोगों के, मतलब आप लोगों के पेरेंट्स के बहुत सारे फोन आते हैं कि बच्चों को कुछ संस्कार भी सिखाओ आप। मंडे जी हमारे पास तो बच्चों को आप 4-5 घंटे के लिए छोड़ते हो, बाकी तो
16-17 घंटे आपके पास संस्कार आप ही सिखाओ। उन सब का जवाब क्या होता है कि बच्चे आजकल अपनी माँ बाप से क्या ज्यादातर बोलते हैं, मम्मी तुम्हें नहीं पता आजकल क्या है, मम्मी तुम नहीं जानती। मतलब कि बच्चों को सच्ची पता है और माँ वगैरह कुछ नहीं पता। मतलब हम अपने बुजुर्गों की आज एक अवहेलना सी कर रहे हैं, उनकी बातें को नकारते हैं। यदि माँ बाप उनके बात में बात मिलाते तो माँ बाप अच्छे हैं, और नहीं तो मैं आपको नहीं पता। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये उन दिनों की बात है जब हर लड़के की शादी होना बड़ा मुश्किल था। देखो आप अपने दी पुराने उसमें देखोगे ना, तो आपके घर में जब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, कोई ना कोई आपका ताऊ चाचा बगैर शादी के रह जाता था। ध्यान करो, था ऐसा। वैसे बताऊं, मेरी शादी बड़ी मुश्किल से हुई है, मेरे से कोई शादी करने को तैयार नहीं था। खैर, तो ये उस जमाने की बात है जब लड़कों की शादी नहीं होती थी और लड़कियों की चलती थी, मतलब लड़की के घर वालों की चलती थी कि भाई यदि शादी करनी है तो ये चीज करना पड़ेगा। आज की तरह नहीं था कि दहेज देना पड़ेगा, दहेज तो लड़के वालों से मांगते, तुम्हें ये चीज करनी पड़ेगी। काश जमाना लड़कियां सोचे जमाना द्वारा आ जाए, हमारे बाप दहेज मांगे और लड़के वाले अपने हाथ जोड़ खड़े रहे। खैर, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बार इसी तरह से कंडीशन लगा दी कि भाई लड़की की शादी हम जब करेंगे तो जब आपकी शादी में कोई बुजुर्ग आदमी नहीं आएगा। तो उन्होंने लड़के वालों ने सोचा कोई ना कोई चक्कर जरूर है, तो एक काम करते हैं कि किसी एक बुजुर्ग आदमी को संदूक में बंद करके ले जाते हैं, क्या पता इनकी कहां जरूरत पड़ जाए। ले गए जी बुजुर्ग को बंद करके। वहां जब बारात पहुंच गई, उनकी खूब खातिर हो गई, फिर उनसे कहा कि जब फेरे कराओ। कह जी फेरे तो जब कराएंगे, पहले आप हमारे साथ चलो, ये हमारे गांव में ना नदी बह रही है। ले गए नदी पे, नदी बह रही थी, अच्छी पानी से भरी पड़ी थी कि इसमें ना आप पानी की जगह दूध की नदी बहा दो, ये लड़की तो जब भी विदा होगी जब फेरे होंगे, नहीं तो नहीं होंगी। उनको भी इतना दूध कहां से लाए, क्या चीज करें, सारे परेशान की बारात तो बगैर लड़की के ही जाएगी। तो उनमें से एक जो समझदार था चुपके से बोला, ताऊ का है ना, उससे बात पूछो, संदूक में बैठा रखा, कुछ ना कोई रास्ता वो ही निकालेगा। भाग के कुछ आदमी वहां गए तो कहने लगे भी ताऊ इस तरह से कहे हैं वो, तो कहले इसमें क्या दिक्कत है। फिर क्या दिक्कत है ताऊ, वो दूध कहां से लाए इतना। कहले उनसे कहो आप ये जब पानी की नदी बह रही है, पानी खाली करा तो दूध हम भर देंगे इसमें। देखो मैं अपनी बात जो कहता ना, भाषण तो देता नहीं, मैं आपको कहानी के रूप में समझाता हूं। अब देखो ये बात मैं जो आपको दूसरी कहानी सुना रहा हूं, मुझे कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, पर आप लोग अब यंग हो, बच्चे तो रहे नहीं। जो ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो बच्चे आज रह गए, जो जीत नहीं सके, और जो जीत गए, ये दोनों का मैसेज आएगा इस कहानी से। देखो एक बार एक डॉगी जिसको पप्पी बोलते हैं हम लोग, और एक हथिनी मतलब एलिफेंट, दोनों प्रेग्नेंट हो गए। पप्पी ने तो मतलब डॉगी ने 4-5 महीने बाद 3-4 बच्चे पैदा हो गए उसके, पप्पी पैदा हो गए उसके, और एलिफेंट को हुआ नहीं। 6-7 महीने बाद उसको डॉगी को फिर दोबारा से 5-6 बच्चे पैदा हो गए। वो हथिनी के पास में उसके दोस्त थे दोनों आपस में, ये उसे कहते देखो मेरे तो 5-6 बच्चे हो गए अब तक, तुम्हारे कुछ नहीं हुआ। एक बार कहा, दो बार कहा, वो हर 6 महीने इस तरह कह दे। तो एक दिन हथिनी को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि ये हथिनी को 2 साल में बच्चा पैदा होता है, कि ये हथिनी का बच्चा पैदा होगा, एलिफेंट का बच्चा पैदा होगा, और जब ये बच्चा पैदा होगा ना धरती हिलेगी। ये पप्पी नहीं है जो कहीं हो गया और उसको कुछ आपको धरती वजन नहीं पड़ा, ये जब सड़क क्रॉस करेगा तो लोग रुक जाएंगे। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं कि जो बच्चे आज रह गए, जो बच्चे आज फर्स्ट सेकंड नहीं आ पाए, पीछे रह गए, उनमें हिम्मत रखनी चाहिए कि आज नहीं तो कल, जब भी हम आएंगे मैदान में उतर के तो जोश से आएंगे और आपको जीत के दिखाएंगे। और जो बच्चे जीत गए हैं वो ये ना सोचते कि अब तो देखो मेरा तो हो गया, मैं तो आज फर्स्ट आ गया और आगे बढ़ता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना जोश नहीं खोना है और उनके अपने होश नहीं खोने। मतलब मेन चीज क्या है कि दोनों को संतुलन में रहना है। ये तो हो गया आपकी आज इन दोनों की बात,
और छुट्टी तो देखो योगा जो आज हुआ ना, मेरा दिल तो कर रहा था कि काश बाय चांस परसों संडे नहीं होता तो मैं आपकी दो दिन की छुट्टी कर देता, पर आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है कि सैटरडे संडे दोनों दिन की छुट्टी आपकी है। और देखो ये जो आप लोगों ने 20 दिन कहा केवल 20 दिन का ये काम है, 20 दिन में इतना अच्छा योगा कर सकते हैं, तो हमारे पास साल में 365 दिन होते हैं, तो क्या हम यूनिवर्सिटी में टॉप नहीं आ सकते 20 दिन में एक घंटे के लिए? अरे अपने अंदर जोश पैदा करो, पूरी जिंदगी पड़ी आपको खाने मस्ती करने के लिए, बहुत मस्ती के लिए पूरा टाइम पड़ा है, इन 3 सालों में जब तक आप कॉलेज में इतनी मेहनत करो कि यूनिवर्सिटी में टॉप आके दिखाओ, और जो गेम्स में बच्चे हैं इतनी मेहनत करो कि ओलंपिक तक पहुंचो। और देखो मेरे से आपको क्या चाहिए, मुझे आज तक ही अच्छी तरह याद है जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस टाइम में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तो लाल बहादुर शास्त्री से जब सेनाध्यक्ष ने पूछा कि ये कैसे करना, तो मुझसे मत पूछो क्या करना है, मेरे को बताओ मुझे सिग्नेचर कहां करने हैं, जो करना है करो आप, मिलिट्री को खुला छोड़ दिया था। आप ये मुझे बताइए मुझे क्या करना है, मेरी तरफ से आपको ओलंपिक पहुंचने के लिए जो चाहिए वो तैयार है, यदि यूनिवर्सिटी में टॉप आना उसके लिए आपको क्या चाहिए वो मेरे जैसे चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ मैं द्वारा से अपने विधायक मूलचंद शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम जब भी इनको याद करते हैं और ये बिगर किसी हिचक के कहीं भी हों ये हमारे कॉलेज में आते हैं और हमारे बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद। तरह की कहानियों से हमें मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, और आज तो बच्चों आप लोगों के लिए उन्होंने इतना बड़ा दिल किया है और उनका दिल बहुत बड़ा है, आप सब जानते हैं। कुछ भी कहें, कल भी प्राचार्य जी ने कहा था, कुछ भी कॉलेज के लिए, बच्चों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कहा जाए, उनके पास जाया जाए, वो कभी ना नहीं कहते। अभी परसों ही अटारी में जाकर जो हमने और उनके सहयोग से जो दिया है शहीद के परिवार को, हालांकि उसका गुणगान बार बार नहीं करना चाहिए, पर मैं ये इसलिए कहना चाहती हूँ कि हमें एक ऐसे रहनुमा मिले हैं जो इतने उदार हैं कि वो किसी चीज़ की कमी नहीं रखते, तो बेटा ज़ोरदार तालियां उनके लिए, और उनकी उदारता के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जो छुट्टी उन्होंने हमें दी है, वास्तव में वो छुट्टी हम